हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है कि एमए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का इस समय एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम आप लोगों को 15 तारीख को है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 तारीख से उन लोगों का एग्ज़ाम शुरू है एमए फर्स्ट ईयर का। तो ये एमए फर्स्ट ईयर में जो आप लोग का क्या है, एमए फर्स्ट ईयर में जो आप लोग का थर्ड पेपर है यानी कि तीसरा पेपर है, और पेपर का नाम क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, क्या देख सकते हैं? तो पेपर का नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पेपर का नाम आपका क्या है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। ओके, क्या है? जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये आपका जो है थर्ड पेपर होगा। क्या होगा? थर्ड पेपर होगा। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, क्या क्या पेपर में आने की संभावना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि आपके बीए फर्स्ट सॉरी एमए फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर फोर्थ यानी सभी सेमेस्टर के जो है आपको निःशुल्क में यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। इन साथ में ही आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग एक कमेंट जो है वापस आके ज़रूर करिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों का फंसा। ओके, आप लोग एक कमेंट पेपर देने के बाद ज़रूर करिएगा कि पेपर क्वेश्चन पेपर में से आपको क्या हुआ, क्वेश्चन आया था या नहीं। ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, सबसे पहले जो हमने बनाया है, ठीक, क्या है ये आपका, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहले जो देखेंगे वो है अति लघु उत्तरीय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि आपके पेपर में इनका कहाँ तक आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पेपर जो है, पेपर क्या है, पेपर आपका आप लोगों ने देखा जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी कि जेंडर की बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत में एक महिला की स्थिति सबसे ख़राब होती है। तो यहाँ पे आप लोगों से यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब घरेलू हिंसा होगा तो क्या होगा, महिलाओं के लिए ही होगा। ओके, किसके लिए होगा, महिलाओं के लिए ही होगा, महिलाओं के लिए ही होगा। तो महिलाओं का किस तरीके से भारत में क्या घरेलू हिंसा है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं कुछ बता दे रही हूँ, जैसे आप लोगों का क्या होता है, सबसे पहले होता है यौन उत्पीड़न होता है। आप लोग को भी पता है कितना ज़्यादा इस समय जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ओके, जैसे बाल जो बहुत ज़्यादा रेप वगैरह हो रहा है, तो ये सारी समस्या आप लोग देख सकते हैं। एक होता है आपका बाल जो है बलात्कार, ओके, बलात्कार हो गया आपका, बलात्कार हो गया, बाल विवाह हो गया, घरेलू शोषण हो गया, तो ये सारे भारत में एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्या आते हैं, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा जो है मैंने ये सेक्सुअलिटी जो है डाला है, लैंगिकता, ये भी आप लोगों का अति लघु उत्तरीय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर ही जेंडर है। तो सीवर सी बात है कि यहाँ पे जो लैंगिकता की बात आती है, सेक्सुअलिटी की बात आती है, वो जरूर ही आएगा क्वेश्चन। तो लैंगिकता की बात जब करेंगे तो आप सबको पता है ये क्या है, तो ये एक आपका क्या है, तो ये आपकी लैंगिक जो है ये जैविकीय होता है, जो कि शारीरिक भी होता है, भावात्मक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है, कई पहलुओं से ये होता है और कई पहलुओं से प्रकट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर करता है, जो हमारे ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा वही प्रभावित करती हैं किसको, तो सेक्सुअलिटी की जो बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करती हैं। ओके, तो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, तो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग अपने बुक से ज़रूर देख लीजिएगा। हम आप लोग को बस थोड़ा से बता दे रहे हैं कि आपकी लैंगिकता जो है ये जैविक, शारीरिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक
ठीक है, सभी पहलुओं में प्रकट होती हैं, चाहे वो आपका शारीरिक रूप से लीजिए, आप शारीरिक लीजिए, या किसी व्यक्ति के भावना से रख लीजिए, आप समाज में ध्यान दीजिए तो समाज में भी कहीं ना कहीं व्याप्त है। आध्यात्मिक रूप से भी इसको देखा जाता है और इसकी सीमा सभी जो है अत्यधिक सबसे ज़्यादा जो सीमा तक है वो क्या है, लैंगिकता हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है कि हमारी इंद्रियाँ क्या है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी निर्भर करती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाला है, समय जो है समेकित बाल विकास, समेकित बाल विकास क्या है ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है, समेकित बाल विकास क्या है, तो आप लोग इसकी को क्या कहते हैं, हम लोग इसी को शॉर्ट फॉर्म में ICDS के नाम से भी जानते हैं, किसके ICDS के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी, और ये बच्चों के लिए कार्य करता है, किसके लिए, बच्चों के लिए कार्य करता है, सबसे ज़्यादा ये जो आपका ICDS है ये बच्चों पे कार्य करता है, और किस क्षेत्र में करता है, तो जैसे समाज में कुपोषण हो गया, बच्चों में कुपोषण हो गया, उनके स्वास्थ्य संबंधी इन सब चीज़ों पे आपका समेकित बाल विकास योजना कार्य करता है ICDS। ओके, तो ये आपका तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, तो तीसरा ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे फोर नंबर देखेंगे कि यहाँ पे फोर नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पे फोर नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाला है वो क्या है, तो परिवार की विशेषता, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है परिवार की विशेषता, क्योंकि यहाँ पे परिवार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, परिवार क्या है, परिवार की विशेषताएँ क्या हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, तो ये भी आपका फोन नंबर इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग छोटे में भी इसको आराम से लिख सकते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तो आप समझ जाइए कि आपका पेपर आउट है। ओके, क्या है पेपर आउट, ये इसमें ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आना ही आना है, तो आप लोग ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जेंडर पढ़ना है, तो इसमें आपका महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताना है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ओके, अब आता है सर्व शिक्षा अभियान, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों का अगर आप लोग क्या कंपटीशन लेवल पे भी पहुंचते हैं तो वहां पर भी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिक्स नंबर अति लघु उत्तरीय का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है सर्व शिक्षा अभियान भी आ जाता है। ओके, तो आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे लघु उत्तरीय के थोड़े प्रश्न को देख लेते हैं क्या, तो लघु उत्तरीय के थोड़े प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो लघु उत्तरीय के में अगर हमने जो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न डाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मान के चलिए कि इसको पेपर में आना ही आना है। ओके, तो जेंडर एवं सेक्स में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल रट के जाइएगा। ओके, जेंडर एवं जो है सेक्स में अंतर, इसको बिल्कुल रट लेना है। अगला क्वेश्चन जो दूसरा मैंने डाला है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है, देखिए वहाँ पे महिला सशक्तिकरण क्या है, यहाँ पे आपको बताना है महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है। ओके, इसके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, महिला सशक्तिकरण में कौन कौन सा मतलब यूनिट है जो कार्य कर रहा है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये इसमें होता है। देखिए आप लोगों का चैप्टर तीसरा दिया गया है स्टेटस ऑफ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन का जो है आपका स्टेटस, यानी कि महिला का अगर स्थिति, महिला की स्थिति आपको बताना है, चाहे आपका घर हो उसका मीनिंग बता देना है आपका। ओके, उसकी जो है हेल्थ में क्या क्या उसके कार्य हो रहे हैं, क्या क्या इशूज आती हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको बता देना है। गर्भावस्था में गर्भ निरोधक गोलियां वो लोग यूज़ करती हैं वो उनके हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है, कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीज़ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, इसी में आप लोग का बाल विवाह आ जाता है। ओके, बाल विवाह के बारे में भी पढ़ लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को कई जो है ऐसे बातों में कई क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तीसरा मैंने यहाँ पर भी परिवार का महत्व रख दिया है, यानी परिवार का महत्व क्या है। अच्छा, ये रिपीट हो गया,
ठीक है। परिवार का महत्व दोनों बार, अच्छा परिवार की विशेषता थी ये, परिवार का महत्व है मैंने पहले भी बताया था, तो ये परिवार के महत्व को भी आपको देख लेना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग 4 नंबर पे जो रखा है घरेलू हिंसा क्या है, ठीक है। वहाँ पे पूछा गया था भारतीय, मैंने लघु उत्तरीय में आप लोग को क्या बताया था कि भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब यहाँ पे आपको जो लघु उत्तरीय में क्वेश्चन मैंने रखा है वो घरेलू हिंसा क्या है, ओके, इसके कारण क्या हैं, किन कारणों से होता है, इसके प्रकार को बता देना है। तो ये लघु उत्तरीय में मैंने इस तरीके से इसलिए क्वेश्चन रख दिया कि मान लीजिए घरेलू हिंसा के कारण आपसे पूछ सकता है, ये तीनों नहीं पूछा जाएगा, अगर तीनों पूछा जाएगा तो लॉन्ग में बन जाएगा, लघु में पूछा जाएगा। घरेलू हिंसा के अर्थ आप लोगों को बताना रहेगा, या तो कारण पूछा जाएगा या तो प्रकार पूछा जाएगा, दोनों में से एक पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमने डाला है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं को बताइए। ये तो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी लिख लीजिए, इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग ये भी लिख लेंगे, ओके। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने मैं रखी हूँ जो आपके पेपर में पूरी तरीक़ा से आने की संभावना है। आप लोगों से मैंने वीडियो से पहले भी कहा कि जो पेपर देखिए आइएगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के फंसे थे या नहीं फंसे थे, जो भी है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और फिर लास्ट में भी वही कह रही हूँ कि आप लोग पेपर दे के आइएगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ओके। और वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग फिर दूसरे जो है सीरीज़ में मिलते हैं, यानी दूसरे वीडियो में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग बताएंगे, कोशिश करेंगे कि उसके आंसर को भी हम आपको दे पाएँ, ओके। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।